ये है इंद्रवज। एक ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादल के ऊपर ऐसा उड़ रहे हैं। हरिश्चंद्रगढ़ पड़ता है महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। हरिश्चंद्रगढ़ फेमस है यहाँ के कोकण कड़ा के लिए, यहाँ के तारामती पीक के लिए, यहाँ से दिखने वाले सराउंडिंग माउंटेन रेंज के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी मैं आपको हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में दूंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो, डिफिकल्ट है क्या ट्रेक है, सिंपल है, बेस्ट टाइम क्या है इस ट्रेक को करने का। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और स्वर्ग की तरफ प्रवास करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं पाचनाई विलेज, जो कि हरिश्चंद्रगढ़ का वन ऑफ द बेस्ट विलेज है। हरिश्चंद्रगढ़ जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पाचनाई के बारे में बता देता हूं। तो ये मुंबई से 185 किलोमीटर के आसपास है और पुणे से 165 किलोमीटर के आसपास है। ये देखिए, ये पाचनाई गाँव है पूरा, ये पूरा एरिया है। और ये जो आपको रेंज दिख रहा है, ये पूरा हरिश्चंद्रगढ़ कलसुबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इधर ही हरिश्चंद्रगढ़ इसके पीछे। और यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क भी कर सकते हो, तो हमने गाड़ी पार्क कर दी, हमारी स्कूटी है, हमने वहाँ पे पार्क किए। और इस टाइम पे जून का टाइम है, तो इस टाइम पे आपको मैंगो भी खाने को मिल जाएगा, जैसा राजन खा रहा है एकदम मैंगो। तो पाचनाई कैसे पहुंचना है, इसके अलावा और भी जो इसके बेस विलेज है वहाँ तक कैसे पहुंचना है और डिफ़िकल्टी रूट क्या है, वो सब मैं आपको आगे के बताते जाऊंगा। पहले हम ट्रैक को शुरू करते हैं। ट्रैक हमने शुरू कर दिया है और यहाँ पर जैसे कि पाचनाई गांव में आपको रहने की सुविधा भी मिल जाएगी, प्लस आपको होटल विटल भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 30 रुपीज़ एंट्री फी पे करना पड़ता है और कार और बाइक का अलग चार्जेस है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। राजन रेडी? हमने जस्ट ट्रैक ही चालू किया था तो हमको एक सब्सक्राइबर मिल गए, काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर है, काफ़ी ट्रैकिंग का शौक है इनको। क्या नाम है आपका? मैं विजित सिंह हूँ, मुंबई से। अच्छा, ये एक्चुअली एमपी से है बट मुंबई में रहते हैं, तो इन्होंने मुझे पहचान लिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी कभी मिलते हो तो अच्छा लगेगा बात करके। चलिए चलते हैं, इनका ट्रैक ख़त्म हो गया, ये जा रहे हैं, ये आ गए, अब हम जा रहे हैं। तो हरिश्चंद्रगढ़ का ट्रैक जो है ना, एक्चुअल में यहाँ से चालू होता है, यहाँ पर बोर्ड है जिसमें लिखा गया है पाचनाई हरिश्चंद्रगढ़, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये पार्किंग का भी डायरेक्शन दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन पढ़ो। वो मोस्टली क्या है, प्लास्टिक मत फैलाओ, ये सब मतलब कचरे के बारे में दिया गया है, सब रूल फॉलो करो जंगल के। और यहाँ से हमको जाना है और अभी 3:30 बज रहे हैं लगभग, देखते ऊपर कब तक पहुँच पाते हैं। मैं आपको पूरा अपडेट करूँगा। और ये रास्ता है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप हरिश्चंद्रगढ़ कौन कौन से रूट से आ सकते हो। तो बेसिकली मल्टीपल रूट्स है, बट बेसिकली दो रूट है जो सिंपल है, जिसको ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं। एक है खिरेश्वर विलेज और एक है पाचनाई विलेज। तो पाचनाई विलेज जिस रूट से हम लोग आज जा रहे हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो वहाँ तक आप कैसे आ सकते हो, बेसिकली वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली उसके लिए आपको या तो कसारा या तो इगतपुरी आना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको शेयरिंग में गाड़ी पकड़ के राजूर आना पड़ेगा, फिर राजूर से आपको फिर प्राइवेट गाड़ी बुक करके पाचनाई आना पड़ेगा। तो मुंबई पुणे से यहाँ पे आना बहुत ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बहुत ही मतलब मुश्किल भरा काम है, बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो पाचनाई से अगर आप आना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप खुद की गाड़ी से आइए या फिर आप ग्रुप के साथ आइए। खिरेश्वर विलेज से अगर आपको जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो आपको आना पड़ेगा कल्याण स्टेशन, वहाँ से आपको बस मिलेगी खूबी फाटा के लिए, और खूबी फाटा से 4 किलोमीटर है खिरेश्वर विलेज। तो खिरेश्वर विलेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना इतना मचमच का काम नहीं है, बट पाचनाई के लिए बहुत आपको झंझट करना पड़ेगा। तो मेरा आपको ये सजेशन है कि पाचनाई विलेज आप खुद की गाड़ी से आइए या फिर ग्रुप वालों के साथ यहाँ से आइए। गर्मी में जब आप ट्रैक करते हो तो पसीने से हालत ख़राब तो होती है और थकने को तो बहुत होता है, बट नेचर में इस टाइम पर हमको करवंदा खाने को मिलता है, मैंगो खाने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये है करवंदा, काफ़ी मीठा है। तो ये सब खाते खाते आप जाना गर्मी के टाइम अगर आप जाते हो तो, मज़ा आता है बहुत। ट्रैक के स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको ऐसे छोटे मोटे स्टॉल दिखेंगे,
जहाँ से आप कुछ खा सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, पानी का बॉटल भी ले सकते हो और ट्रैक को एंजॉय कर सकते हो। अभी भी काफ़ी ऊपर जाना है हमको। हरिश्चंदगढ़ के दोनों बेस विलेज पे कैसे आना हो तो मैंने आपको बता दिया, बट ये दोनों रूट में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पाचनाई सबसे सिंपल और सबसे कम समय लगने वाला रूट है, यानी कि आपको पाचनाई से हार्डली 1.5 से 2 घंटा लगता है टॉप तक जाने के लिए, और खिलेश्वर से आपको लगभग 4 घंटे लगते हैं ऊपर तक जाने के लिए। और पाचनाई विलेज एकदम सिंपल है, कोई भी रिस्की पैच नहीं है, और खिलेश्वर भी सिंपल ही है बट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। खिलेश्वर का रूट जो है ना मुंबई पुणे से नज़दीक पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पाचनाई। तो पाचनाई विलेज से जो रूट है वो पूरा वेल मार्क है, आपको ऐसा कोई भी पैच नहीं मिलेगा जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। और आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए यहाँ पर पूरा एरो से मार्किंग किया गया है, ये देखिए ये है एरो, तो जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। अभी भी और ऊपर जाना है काफ़ी, तो लगभग हमारा 20-25 मिनट का ट्रैक हो गया है और अभी रास्ता एकदम कड़ी चढ़ाई है, और सपोर्ट के लिए यहाँ पर साइड में रेलिंग्स लगाए गए हैं। देखिए यहाँ तक जैसा चल चल के जाना है, अभी भी काफ़ी ऊपर है। ऊपर आने के बाद सामने का व्यू काफ़ी खूबसूरत हो गया है, ये देखिए पूरे सह्याद्री माउंटेन रेंज, और ये है पाचनाई गांव। यहाँ पर हमने अपनी स्कूटी पार्क की थी, यहीं से ट्रैक चालू किया था, और ये देखिए सामने का पूरा रेंज। तो ट्रैक करते करते हम पहुँच गए हैं एक गुफा के नीचे, यानी कि चट्टाने पूरा पहाड़, उसके नीचे यहाँ पर गुफा बनी हुई है, और यहाँ पर आपको नींबू पानी मिल जाएगा पीने के लिए। और यहाँ से देखिए सामने का नज़ारा, मानसून में यहाँ से पानी गिरते हैं, वाटरफॉल होता है यहाँ पर। तो ये देखिए पूरा पहाड़ है, यहीं पे क्यों यहाँ पर बैठ के हमने नींबू पानी पिया, बारिश में पूरा यहाँ पर वाटरफॉल गिरते रहते हैं। ऑलमोस्ट हमारा 45 मिनट्स का ट्रैक हो गया है, मतलब हो गया आधा से ज़्यादा ट्रैक हो गया है। यहाँ पर एक वाटरफॉल है जो कि अभी सूख चुका है, मतलब ये पूरे रीजन में ना पूरा पानी बहता है जब मानसून के टाइम, अभी पूरा सूख चुका है, खाली बीच में थोड़ा सा पानी ज़्यादा क्लीन नहीं है। तो हमारा जो प्लान है ना वो एक्चुअली ऊपर स्टे करने का है, तो अभी हम लोग जाएंगे 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, कोकनगढ़ा से सनसेट देखेंगे, फिर मॉर्निंग में हम लोग को क्लाउड गैदरिंग देखना है, यानी कि पूरी चादर बिछी रहेगी बादलों की जो कोकनगढ़ा से और तारामती पीक जो कि हाईएस्ट पीक है हरिश्चंदगढ़ का वहाँ से देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोकनगढ़ा से हमको इंद्रवज भी देखने को मिलता है, तो इतना सब देखने का प्लान है, क्योंकि ये सब हमको ना प्री मानसून में ज़्यादा देखने को मिलता है और पोस्ट मानसून में। तो अभी यहाँ पर एक ब्रिज है, तो अभी हम ब्रिज के ऊपर से जाने वाले हैं। देखिए वाओ, यहाँ से जब पानी बहता रहेगा तब ऊपर से जाना चाहिए आपको, अभी तो नीचे से भी जा सकते हो, पूरा सूखेला है। तो लगभग हमको 1.5 घंटे हो गए और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब जो टॉप एरिया है हरिश्चंदगढ़ का वहाँ पे पहुँच चुके हैं। ये सामने मंदिर है हरिश्चंदेश्वर, और एक केव है केदारेश्वर, और जैसे कि आप देख सकते हो ये सब स्टॉल लगे हुए हैं, और ये है तारामती पीक। तो मुझे लगता है कि आप हार्डली 1.5 घंटे में यहाँ तक पहुँच जाओगे, हम तो बड़े आराम से आए, वीडियो बना बना कर आए, तो हमको 1.5 घंटा लगा है, 1.5 घंटे में आप आराम से पहुंच जाओगे। इसके लिए पाचनाई रूट बहुत ही सिंपल और छोटा रूट है हरिश्चंदगढ़ तक पहुंचने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल दिखाई देंगे, तो यहाँ पर आप खाने का ऑर्डर दे सकते हो, कुछ अभी खा भी सकते हो, और दूसरी बात है कि यहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, अपना खुद का भी कैंप लेके आ सकते हो और कैंपिंग कर सकते हो। बट अगर आपके पास टेंट नहीं है तो आप यहाँ पे आपको टेंट भी मिल जाएगा स्टे करने के लिए, रात का खाना सुबह का ब्रेकफास्ट सब मिल जाता है यहाँ पर, हर एक चीज़ फैसिलिटी है यहाँ पर। तो सामने आप जो कुंड देख रहे हो ये है सप्त तीर्थ पुष्करणी, काफ़ी खूबसूरत है, बट अभी पानी पूरा ख़त्म हो चुका है और पूरा ख़राब हो गया है,
बट जब मानसून आएगा ना तब पूरा भर जाएगा और एकदम मस्त पानी आपको दिखेगा। और यहाँ पर ना ये सब जगह ना पूरा यहाँ पर लोग बैठते हैं एक एक करके और फोटो लेते हैं, तो काफ़ी खूबसूरत फोटो आता है। और ऐसा कहते हैं कि पहले हर एक इसमें मूर्ति हुआ करती थी, बट अभी सब टूट चुकी है तो मूर्ति आपको एक भी जगह देखने नहीं मिलेगी, सब यहाँ वहाँ पर रख दिया गया है। तो जो अभी मैंने आपको सप्त तीर्थ पुष्करणी लेक दिखाया है, वहाँ की जो मूर्तियाँ मैंने आपको बताया ना निकाल दी गई है, वो सब यहाँ पर रखी गई संभाल के, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अंदर अंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए। ये सामने मंदिर है और ये मंदिर आपको कुछ केदारनाथ के जैसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर उसका। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये है नंदी जी और नंदी जी के ठीक सामने विराजमान है शंकर जी। ये देखिए, ये है शिवलिंग। तो यहाँ पर है गणपति भगवान जी और ये कुछ ऐसा दिखता है मंदिर। और ऐसा कहते हैं कि 1000 साल पुराना है मंदिर, 11th सेंचुरी का मंदिर है। यहाँ पर है विष्णु भगवान जी का मंदिर, ये देखिए, ये है विष्णु भगवान जी का मंदिर। तो यहाँ पर वाटर टैंक है और पानी अभी कम है क्योंकि अभी जून का टाइम है, जैसे ही मानसून आएगा तो पानी पूरा भर जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर पानी है काफ़ी और काफ़ी क्लीन है पानी, मतलब आप पीने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा नीचे उतर के मैं देखता हूँ, काफ़ी क्लीन पानी है, एकदम क्लीन है, क्योंकि अंधेरा करके आप शायद ना देख पाओ, बट बहुत ही क्लीन पानी है, एकदम आर पार दिखाई दे रहा है। इस एंगल से भी आप मंदिर के दर्शन कर लीजिए, ये देखिए। तो मंदिर के दर्शन हो गए हमारे और एक प्यारा सा टाइम लैप्स लिया मैंने आपको दिखाया जो अभी, कि अभी हमको जाना है कोकनकड़ा, जो कि यहाँ से लगभग 40 मिनट लगेगा जाने के लिए यहाँ से हमको, क्योंकि वहाँ से हमको सनसेट देखना है। हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट का जो एरिया है ना, इतना ज़्यादा लंबा, इतना फैला हुआ है ना कि पूरा घूमने में आपका तो पूरा 2-3 दिन चला जाएगा, इतना ज़्यादा है। और ये जो है ना, ये 6th सेंचुरी का फोर्ट है, बहुत ही पुराना फोर्ट है और जो राजा हरिश्चंद्र थे उनके नाम पर इस फोर्ट का नाम पड़ा है हरिश्चंद्रगढ़। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं कोकनकड़ा, ये है माइटी कोकनकड़ा और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक आई है। हाय बोल दो। शिवाजी महाराज की जय। भवानी जय शिवाजी। कुठून आले तुम्ही? कल्याण। कल्याण की पब्लिक है, मचा नहीं आई है, अभी सनसेट देखने का वेट कर रहे सब लोग। देख सकते हो ये पूरा टेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी होटल है वो उनके सब आप कांटेक्ट कर सकते हो, किसके साथ भी वो लोग आपको सब दे देंगे। अभी हमने बात नहीं किया, आगे हम लोग करेंगे। हम लोग सनसेट देखने के लिए आए हैं, तो सनसेट देखेंगे पहले फिर बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि हरिश्चंद्रगढ़ जो है ना, थाने डिस्ट्रिक्ट, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट और पुणे डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों के बॉर्डर पे है। और ये पूरा जो रीजन है, पूरा कोकण रीजन है, यानी कि थाने रीजन है, ये जो इतने भी एरिया है ना, ये सब पूरे थाने में आते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि यहाँ से आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये तो अपना कोकनकड़ा रहा, ये सामने है, ये है रोहिडास, जिसको काल भैरव भी बोलते हैं। ये पूरा रीजन मालसेज घाट का रीजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर है भैरवगढ़, ये यहाँ पर, ये है नानेघाट, ये है जीवदान, ये है वारहंडी पिनाकल, ये है उजाला डूंगर और इसके पीछे साइड यहाँ पर है सिंधोला। इसके पीछे पूरा जुन्नर का रीजन है, मतलब कि क्या है पता क्या, इसके पीछे पूरा जुन्नर के फोर्ट से या अहमदनगर के फोर्ट से इसके इस साइड, और इसके इस साइड जो है पूरा, ये सब पूरा थाने साइड का रीजन है, थाने के फोर्ट से सब। दोस्तों अगर आपको नीचे देखना है तो क्लिप जो पूरा है तो खड़े होकर बिल्कुल ना देखें, इसका एक तरीका है जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर, वो सो के देखें, आप पकड़ के मस्त। दोस्तों फाइनली बादलों के पीछे छुपा हुआ सन अभी दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। वाव, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी उठ गए हम लोग सोके, तो ये टेंट था हमारा और जैसा कि अभी देख सकते हो पूरा फॉगी फॉग है, पूरा कोहरा ही कोहरा है, क्लाउड बेड देखने का सपना था।
देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ पता नहीं है। अभी फटाफट हम लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश हो गए हम लोग और देखिए पूरा कोहरा ही कोहरा है। ये है कोकनकड़ा। कोकनकड़ा के नज़दीक में हमने अपना टेंट लिया था। ठीक है अभी क्या करना है, अभी तारामती पीक जाना है कि नहीं जाना है वही सोच रहे। क्या करने का भाई, कोहरा है कोहरे में से जाएंगे हम। अरे यार तारामती पीक से सनराइज बहुत भारी दिखता है, वो देखने का है। बट कोहरा रहा तो देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं। तो मॉर्निंग के बज रहे 5:45 और इस टाइम पे देखिए ये है कोकनकड़ा। पूरा फॉग है और इतना जोर से हवा आ रही कि ऊपर आ रहा है, देखो पूरा ऊपर आ रहा है। गाइस ये देखिए अभी ऊपर आ गए। तू घुमा पाया कैमरा के उसको बाहर में? हां अरे घुमा दूंगा इसे ऊपर करके। 1 2 3 स्टार्ट। ये किसी और का लकड़ी। तो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू गो तारामती पीक। ऐसे क्लाइमेट में हमको लग तो नहीं रहा है बट तो भी हम कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त का मानना है कि मौसम कभी बदल सकता है, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए अभी पूरा कोहरा ही कोहरा है। तारामती पीक जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो मंदिर है हरिश्चंद्रेश्वर उसकी वहाँ से रास्ता है, और एक जो है कोकनकड़ा के यहाँ से रास्ता है। तो हमने कोकनकड़ा के यहाँ का जो रास्ता है वो हमने चूज़ किया है। जब आप उस रास्ते से आओगे तो आपको यहाँ पर एक लैडर दिखाई देगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये सीढ़ी। तो ये सीढ़ी की वजह से रास्ता काफ़ी सिंपल हो गया है। ट्रैक कर रहे हो और ट्रैक में एडवेंचर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये दूसरी सीढ़ी थी पहली सीढ़ी के बाद। इसके बाद यहाँ पर ये रॉकी पैच है जिसको हमको क्लाइंब करना है। तो थोड़ा सा रिस्की नहीं है, मतलब थोड़ा सा पैची है। खाली मानसून के टाइम पे ज़्यादा पैची हो सकता है, बट अभी तो सूखा सूखा है, तो काफ़ी ईजी है क्लाइंब करना। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं तारामती पीक पे। ये सामने है तारामती शिखर। यहाँ पे झंडा है, यहाँ पे सन है जो कुछ टाइम के लिए बादलों से हट चुका है, मतलब बादलों में छिपा हुआ था फिर से छिपने जा रहा है। तो तारामती पीक हरिश्चंद्रगढ़ का हाईएस्ट पीक है और महाराष्ट्र का 4th हाईएस्ट पीक है तारामती, और ये सनराइज पॉइंट है हरिश्चंद्रगढ़ का। गाइस दोस्तों ये देखिए सामने का नज़ारा, ये सब बादल बादल, वाओ सब बादल बादल। ये देखिए बादल कैसे मूव हो रहे हैं, ये देखो आपको ऐसा लगेगा बादलों की दुनिया में आ गए। दोस्तों ये देखिए एकदम से मौसम बदल गया, वक्त बदल गया और नज़ारा भी बदल गया। देखिए सब जगह फॉग ही फॉग है, वाओ ऐसा लग रहा है कि हम लोग बादल के ऊपर ऐसा उड़ रहे। ये देखिए दोस्तों नज़ारा सामने का, क्या क्लीन हो रहा है पूरा, खतरनाक व्यू। तो बैठे हैं हम खतरनाक व्यू के इंतज़ार में। तो क्या हो रहा है, कभी सन चुप रहा है, कभी आ रहा है और क्लाउड भी कभी आ रहा है जा रहा है। थोड़ा वेट करेंगे, मस्त व्यू देखने को मिलेगा। जितना भी अच्छा व्यू मिलेगा ना, बेस्ट से बेस्ट व्यू आपको दिख रहे। हम रुके थे टॉप पे तारामती के, लगभग 9:15 हो गए, मतलब तो 2 घंटे ज़्यादा रुके थे, बट पूरा क्लीन नहीं हुआ। जितना भी क्लीन हो उतना मैंने आपको दिखा दिया। अभी उतरते हैं हम लोग फटाफट। तो अभी हम लोग आ गए हैं तारामती पीक से। ये कोकनकड़ा देखिए क्या गर्दी हो गया, आज संडे का दिन है, पूरी पब्लिक आ चुकी है। तो जहाँ पर हमने टेंट बुक किया था मैं दिखा देता हूँ। ये देखो हमारा टेंट यहाँ पर लगा था और यहाँ से हमने बुक किया था। इनका यहाँ पर होटल है छोटा सा जो कि है होटल सनसेट पॉइंट। ये है होटल सनसेट पॉइंट कोकनकड़ा, ये ठीक कोकनकड़ा के बगल में ही है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टी, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट, टेंट कैंपिंग, सब खाना पीना। ये कॉन्टैक्ट नंबर है इनका, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पाचनई में रहते हैं तो पाचनई गांव में नेटवर्क पकड़ता है, तो कॉन्टैक्ट आप करके बुक कर सकते हो अगर आपको एडवांस में बुक करना है।
वरना आप यहाँ पर आके भी बुक कर सकते हो। बेसिकली जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब वीकेंड में रहते हैं, अगर आपको वीकडे में आना है तो आपको कॉन्टैक्ट करके पहले बुक करना पड़ेगा, क्योंकि वीकडे में यहाँ पर कोई आता नहीं है। अरे गाइस दोस्तों, ये है इंद्रवज, हल्का सा एकदम लाइट है। अभी जा रहा है, गायब हो गया। अभी सब लोग इंद्रवज देखने के इंतजार में खड़े हैं, सब लोग रुके इंद्रवज देखने के लिए। हल्का सा दिख गया अभी लकी जी। हम देख लेंगे। हरिश्चंद्रगढ़ ट्रेक करने का जो बेस्ट टाइम होता है वो बेसिकली ऑल ईयर अराउंड होता है। मानसून में भी अच्छा होता है, सब आपको वाटरफॉल हरे भरे दिखाई देते हैं, वो सबसे खूबसूरत टाइम होता है। बट उस टाइम पे आपको सब जगह यहाँ पर क्लाउड दिखाई देंगे, फॉग, ज़्यादा व्यू देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जितना कुछ था दिखाने के लिए सब दिखा दिया हमने। अभी केदारेश्वर की वो बच्चा है जो कि मंदिर के यहाँ पर है, वो आपको दिखाएंगे। बट अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं, तो पोहा हमने लिया है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट, उसके बाद दिखाते हैं केव, फिर उतरते हैं नीचे। तो दोस्तों, ये है केदारेश्वर केव। इस केव में सब जगह पानी भरा हुआ है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, मतलब एंडिंग हो रहा है गर्मी, थोड़ा कम है वरना यहाँ तक पानी होता है। और बड़ा सा शिवलिंग है बीच में, ये देखिए, अंदर तक आप जा सकते हो आराम से, और शिवलिंग पे आप जल अभिषेक कर सकते हो। ऐसा कहते हैं कि ये जो चार स्तंभ है ये चार युग को दर्शाता है, यानी कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। और जैसे ही एक युग ख़त्म होता है तो ये गिर जाता है, लेकिन अभी तीन युग, जैसे कि आप देख सकते हो कि तीन जो है स्तंभ वो गिरे हुए हैं, यानी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। जब कलयुग खत्म हो जाएगा तब ये भी गिर जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो हरिश्चंद्रगढ़ के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया रहेगा। जितना कुछ था दिखाने के लिए, जितना कुछ था बताने के लिए, सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ठीक है राजन, कैसा था ट्रैक? बहुत एंजॉयबल था, मैंने बहुत एंजॉय किया और महादेव के दर्शन भी हो गए, इंद्रवज भी हमको कुछ सेकंड के लिए दिख गया लकीली। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल पे नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अभी चलता हूँ, जल्द मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय फ्रॉम हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट।